विषय हिंदी, कक्षा छठी, पाठ 8, जन्मदिन। बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो में जन्मदिन पाठ का शेष भाग पढ़ेंगे। पूजा का जन्मदिन मनाने के बाद शीला मौसी ने सभी बच्चों को खाना खाने के लिए आमंत्रित किया। सारे बच्चे खाने की मेज पर पहुंच गए, तभी बबलू को बहुत ज़ोर से प्यास लग गई। उसने टेबल पर देखा तो आधा आधा गिलास पानी भरकर रखा हुआ था। उसने उसमें से एक गिलास पानी उठाया और वह सारा पानी एक ही बार में पी गया। फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझी, वह खाना खाने में जुट गया। जैसे ही उसने 2-3 निवाला खाने का खाया, उसकी प्यास जो थी वह और ज़ोर से भड़क उठी और वह प्यास से बेचैन हो उठा, एकदम छटपटाने लगा। गर्मी एक अलग परेशान कर रही थी और प्यास उसे अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा। बबलू ने खाने की मेज पर देखा तो एक पानी का जग रखा हुआ था। जैसे ही उसने वह जग उठाया तो देखा तो उस जग में पानी नहीं था, वह जग खाली पड़ा था। शीला मौसी ने बताया कि उनके ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है, जिसके कारण उनके यहाँ पानी नहीं आया था। फिर भी उन्होंने सभी को समझाते हुए कहा कि आप लोग खाना खाइए, मैं पड़ोस में जाकर देखती हूँ, किसी न किसी के घर से तो पानी मिल ही जाएगा। लेकिन इस आश्वासन से अर्थात तसल्ली से बबलू को राहत नहीं मिल रही थी। प्यास के कारण उसका गला जो था वह सूख रहा था। अब खाने का एक निवाला भी उसके गले से नहीं उतर रहा था। वह प्यास से एकदम तड़प रहा था। प्यास का अनुभव करने से उसे पानी मिलने वाला नहीं था, क्योंकि उस दिन घर में पानी की कमी थी। तभी एक चमत्कार होता है, कमरे में बिजली आ जाती है। कमरे के कूलर और पंखे चलने लगते हैं, पूरा कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठता है और सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठते हैं। बिजली तो आ गई थी, लेकिन इससे लोगों की प्यास थोड़े ही बुझने वाली थी। सभी लोग अभी भी प्यास से तड़प रहे थे। तभी पूजा के पिताजी को अचानक याद आता है कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। वह सबसे कहते हैं कि अरे, मैं तो भूल गया था कि पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। वह जाते हैं और सभी के लिए पानी लेकर आते हैं। अगले ही पल वहाँ का दृश्य अर्थात नज़ारा बदल जाता है। जैसे बच्चों, कुछ समय पहले कमरे में गर्मी थी, पीने के लिए पानी नहीं था, लेकिन अगले ही पल कमरे में लाइट आने से पूरा कमरा ठंडी हवा से भर गया। पानी आने से सभी को पानी भी मिल गया। बच्चे, बूढ़े, सभी लोग ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लग गए। बबलू की तो बाँछें खिल उठी। बाँछें खिल उठना का अर्थ होता है अत्यधिक खुश होना। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देखकर कुछ मुस्काए, या अर्थात बबलू की माँ और शीला मौसी एक दूसरे को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ था, वह बबलू को बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा हुआ दिखाई पड़ा। बबलू किसी से कुछ भी बात नहीं कर रहा था। शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई थी वह अब तक उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। जैसे बच्चों, हमारे साथ कोई घटना होती है तो कुछ दिनों तक वह हमें बार बार याद आता रहता है। ठीक उसी तरह से शीला मौसी के यहाँ पर भी जो कुछ हुआ वह उसकी आँखों के आगे बार बार घूम रहा था। फिर उसने मन में एक विचार आया कि कैसे अगर कोई प्यासी गौरैया जब हमारे आंगन में आती है तो प्यास के कारण उसकी चोंच कैसी खुली रह जाती है। कोई कुत्ता है जो प्यास के कारण तड़प रहा है तो वह गटर में या नाली में झांकता है पानी पीने के लिए, तो उस समय उसकी स्थिति कैसी रहती है। यह सब सोच विचार करके वह बहुत दुखी था। शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, उसे बार बार यही याद आ रहा था कि कैसे शीला मौसी के यहाँ प्यास के कारण उसका गला सूख रहा था। पंखा और कूलर बंद होने के कारण उसके शरीर से बहता हुआ पसीना, यह सब बातें सोचकर वह काफ़ी परेशान था। अब उसने मन में सोच लिया कि अब वह आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। बबलू अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ, मुझे कल से आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। तब उसकी माँ हंसकर जवाब देती है कि बेटा, तुम तो पानी इतना अधिक बर्बाद करते हो, तो पानी बचेगा तब ना हम आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखेंगे।
तब वह अपनी माँ से कहता है कि नहीं माँ, अब मैं पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं करूँगा। मगर बबलू कभी इस बात को नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ भी हुआ था वह एक नाटक मात्र था। उसकी माँ और शीला मौसी ने मिलकर उसे सबक सिखाने के लिए वह सब नाटक किया था। माँ जब जन्मदिन के दिन शीला मौसी के घर जा रही थी तब उन्होंने शीला मौसी को फ़ोन पर बबलू की आदतों के बारे में पहले से ही बता दिया था और शीला मौसी ने भी उसकी माँ को भरोसा दिलाया था, विश्वास दिलाया था कि वह बबलू को अवश्य सबक सिखाएगी। और दोनों ने मिलकर उसे सबक सिखाने के लिए ही वह नाटक किया था जिसमें वे दोनों पूरी तरह से कामयाब भी रहे। अब तो बबलू भी खुद अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है। अनमोल का मतलब होता है अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं लगा सके। इन्हें हमें अपने भविष्य के लिए बचा कर रखना है। तो बच्चों, इस पाठ में हमें यह सीख मिली कि पानी और बिजली दोनों मनुष्य की ज़िंदगी में बहुत महत्व रखते हैं। मनुष्य को इन्हें अपने भविष्य अर्थात आने वाले समय के लिए बचा कर रखना है। इसलिए हर एक मनुष्य को पानी और बिजली बचा कर उसका उपयोग करना चाहिए, ना कि उसकी बर्बादी करनी चाहिए। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको यह पाठ ज़रूर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।